जब एक लड़का एक खूबसूरत लड़की को देखता है तो वो उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होकर ये सोचने लगता है, ये प्लानिंग करने लगता है कि कब वो उसको जाकर हग कर ले या एम्ब्रेस कर ले। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद अगर उसी लड़की की डेड बॉडी या मृत देह उस लड़के के सामने रख दी जाए तो वो उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। आखिर उन कुछ मिनट्स में उस बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस हुए कि जो बॉडी उसे इतने अट्रैक्ट कर रही थी कुछ ही मिनट के पहले, वो अभी उसे टच भी नहीं करना चाहता। क्या वो ब्यूटी जिसे वो इतना अट्रैक्ट हो रहा था वो सच में उस बॉडी की थी या उसके अंदर की चैतन्य की थी या उस लाइफ की थी जो उसमें पहले थी पर अभी नहीं है, क्योंकि बॉडी इज स्टिल लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम एक्सेप्ट इट इज लाइफलेस। तो अगर इस लड़के को यह साक्षात्कार होता है कि वो ब्यूटी या खूबसूरती उस बॉडी की नहीं बल्कि उसके अंदर के लाइफ की या चैतन्य की, जिसे हम कहते हैं आत्मा की थी, तो हम इसे कहेंगे तत्वज्ञान। लेकिन अभी भी अगर उस अज्ञानी लड़के को ये लग रहा है कि वो खूबसूरती थी उस बॉडी की या उस लंप ऑफ केमिकल्स की, तो हम इसे कहेंगे अज्ञान। अगर आपको लगता है कि लाइक लास्ट वीडियो, ये वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इंटरेस्टेड हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में या पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की लास्ट सेशन में, या वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अपनी फिलोसॉफिकल राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ स्टडी ग्लोस पर पहली बार आपको आज ये पता चलेगा कि फिलॉसफी या तत्वज्ञान इस शब्द का रियल मीनिंग क्या होता है। अब ये तत्वज्ञान होता क्या है, ये फिलॉसफी होती क्या है। तत्वज्ञान मतलब तत्व का ज्ञान। अब तत्व मतलब क्या, तस्य भावः तत्वम्। अब हम संस्कृत ग्रामर को बाजू को रखकर सिंप्लीफाइड वर्जन देखेंगे। तत्व मतलब मूल पदार्थ और तत्वज्ञान मतलब मूल पदार्थ का ज्ञान। अब मैं आपको तीन एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको यह बहुत क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के सामने आपने एक सोने की पायल रख दी, एक सोने का कंगन रख दिया और एक सोने की बिछिया रख दी, तो अगर उस व्यक्ति को पूछा कि तुम्हारे सामने क्या रखा है तो वो क्या बोलेगा। अगर वो अज्ञानी होगा तो वो बोलेगा मेरे सामने एक पायल रखा है, एक कंगन रखा है और एक बिछिया रखी है। लेकिन अगर ये तत्वज्ञानी रहेगा या अगर ये व्यक्ति देखता रहेगा तत्व की तरफ, तो ये बोलेगा मुझे सिर्फ सोना दिख रहा है। तो अज्ञानी जो व्यक्ति है वो बाहरी रूप को देखता है और जो तत्वज्ञानी या ज्ञानी व्यक्ति रहता है वो हर एक चीज के मूल पदार्थ में झांककर देखता है। अब सेकंड एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति के सामने हमने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन रख दिए और उसको पूछा कि तुम्हारे सामने क्या है, अब वो अगर अज्ञानी रहेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे सामने 100 मिट्टी के ग्लास रखे हैं और 100 मिट्टी के घट रखे हैं। और अगर तत्वज्ञानी को पूछा तो वो क्या कहेगा, मेरे सामने सिर्फ मिट्टी रखी है। तो आप देखो वन सेकेंड, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो देख रहा है बाहरी शेप की तरफ और जो तत्वज्ञानी है वो देख रहा है मूल पदार्थ की तरफ जो है मिट्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के सामने हमने एक ब्राह्मण को रख दिया और एक कौवे को रख दिया और एक हाथी को रख दिया और उसको पूछा कि तुम्हारे सामने क्या है, नाउ अगर वो अज्ञानी रहेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे सामने क्या है, हाथी है, कौवा है, एक ब्राह्मण है। लेकिन अगर वो तत्वज्ञानी है तो क्या बोलेगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। जो विद्या और विनय से संपन्न पंडित है या तत्वज्ञानी है वो एक ब्राह्मण और एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ता खाने वाला, इनको समदृष्टि से देखता है। मतलब वो इन सभी में एक ही आत्मा को देखता है। तो यहां पर देखो, जो अज्ञानी है वो उन लोगों को या उन प्राणियों को शारीरिक दृष्टि से जज कर रहा है जो बाहरी चीज है, और जो तत्वज्ञानी या पंडित है वो मूल पदार्थ की तरफ देख रहा है, वो है आत्मा। तो आपको यहां पे क्लियर हुआ, तत्वज्ञान का अर्थ है मूल पदार्थ का ज्ञान और अज्ञान मतलब उस मूल पदार्थ के ऊपर जो कल्पना की है उसका ज्ञान।
तत्वज्ञान मतलब सोना और अज्ञान मतलब उस सोने के ऊपर जो कल्पना की है मतलब अंगूठी, उसका ज्ञान। अब आप पूछोगे मुझे ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने जो थंबनेल में लिखा है गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसको स्पर्श किए बिना, क्या यह पॉसिबल है? डेफिनेटली ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि गीता के अंदर है क्या। गीता के अंदर है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का अर्थ हमने देख लिया पहले ही, मतलब गीता के अंदर है मूल पदार्थ का ज्ञान। तो अब गीता के अंदर का ज्ञान आपको प्राप्त करना है या तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें उसे स्पर्श किए बिना। अब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है वेस्टर्न मेथड और एक है वैदिक मेथड। अब देखो तत्व ज्ञान मतलब सत्य, दोनों सिस्टम बिलीव करते हैं या दोनों कल्चर्स ये तो बिलीव करते हैं कि हमने सत्य की ओर जाना चाहिए, लाइफ का पर्पस है सत्य की खोज। अब इसके लिए वेस्टर्न मेथड क्या है, थिंकिंग मतलब सोचना, लेकिन वैदिक मेथड अलग है। वैदिक मेथड क्या है, वो है देखना। अब ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया वो देखो, अंगूठी के अंदर सोना भरा है, ये आपको समझने के लिए या अंगूठी का मूल पदार्थ सोना है ये समझने के लिए आपको थिंकिंग करना पड़ता है या देखना पड़ता है, ये तो आपको देखने से पता चलता है। उल्टा अगर आप थिंकिंग करना चालू कर दो तो यू विल गेट ऑल द आंसर्स एक्सेप्ट द करेक्ट वन, क्योंकि मोस्टली थिंकिंग क्रिएट्स ओपिनियंस एंड ओपिनियंस आर एनीथिंग बट नॉट द ट्रुथ। अब गीता में भी सिर्फ और सिर्फ तत्वज्ञान दिया है, मतलब ऐसी चीजें लिखी हैं जो अगर आप आंख खोलकर देखना चालू कर दो तो आपको दिखना चालू हो जाएगा, उसके लिए आपको गीता की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर में गीता में बोला है, दिस इज अ रेलेवेंट एग्जाम्पल, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, मतलब जो नहीं है वो है करके कभी मिलता नहीं है और जो है वो नहीं है ऐसा कभी मिलता नहीं है। अब इसके बारे में आप थिंकिंग करना चालू कर दो और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप देखना चालू कर दो तो आपको इसका अर्थ पता चलेगा। ऊपर हमने क्या बोला अंगूठी के बारे में, अंगूठी का मूल पदार्थ क्या है, सोना। अब देखो अंगूठी कल नहीं थी, आज है और एक दिन फ्यूचर में नहीं रहेगी, लेकिन सोना जिससे वो अंगूठी बनी है वो कल भी था, आज है और परसों रहेगा। अब देखो सोना हर एक काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में सिर्फ है करके मिलता है, लेकिन अंगूठी भूतकाल में और भविष्य काल में नहीं है करके मिलती है और वर्तमान में है करके मिलती है। इसका मतलब वर्तमान में भी वो नहीं है। आप देखो अंगूठी के अंदर से अगर आप सोना निकाल दो तो अंगूठी रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी ये पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करता। अंगूठी ये उस सुनार की हुई कल्पना है, सुनार सोने को एक विशिष्ट रूप देता है, उसको हम बोलते थे अंगूठी। तो अंगूठी ये केवल कल्पना है। तो यहां पे आपको पता चला अंगूठी के बारे में, नासतो विद्यते भावो, तो अंगूठी नहीं है इसके लिए है करके आपको मिलती नहीं है क्योंकि अंगूठी एक कल्पना है, लेकिन नाभावो विद्यते सतः, जो है वो नहीं है करके कभी मिलता नहीं है। सोना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में आपको प्रेजेंट है करके मिलेगा। अब ये जो गीता का ज्ञान है या ये जो श्लोक है ये आपको समझने के लिए या इसके अंदर जो ज्ञान दिया है ये समझने के लिए आपको गीता की जरूरत है या देखने की जरूरत है, ये तो आपको देखने से ही पता चल जाता है। सिंपली अगर आप देखना चालू कर दो, आप देखने की कला सीख लो, तो आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि अगर गीता का ज्ञान हमको देखने से ही मिल रहा है तो गीता का फायदा क्या, इसका भी मैं आंसर देता हूं। अब ये देखने की जो कला है ये मास्टर करने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पदार्थ को एज इट इज देखने के लिए हमारे बीच में दो ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं। पहला ऑब्स्ट्रक्शन है मन और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन है बुद्धि। मन और बुद्धि ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो हमारा अंतःकरण या मन और बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण हमको किसी भी पदार्थ को एज इट इज देखने के लिए परेशानी होती है। इसके लिए हमें गीता में जो रेडीमेड ज्ञान दिया है वो लेना ही उपकारक होगा। अब दूसरा रीजन, गीता का ज्ञान लो ये भगवान शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत्। ये जो सभी उपनिषद है वो गाय है, गाय का दूध निकालने वाला कृष्ण, वो दूध पीने वाला अर्जुन
और वो दूध है गीता। तो अगर हमारे घर में कृष्ण रूपी माता उसका गीता रूपी दूध रेडीमेड पिलाने के लिए तैयार है, तो घर के बाहर जाकर मेहनत करके गाय का दूध निकालना और उसके बाद वो पीना, ये सेंस नहीं बनता। तो अगर आपको ज्ञान रेडीमेड चाहिए तो डेफिनेटली आप गीता खोलो और उसको प्राप्त कर लो, क्योंकि गीता में जो ज्ञान दिया है वो कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना पॉसिबल है। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं हमने क्या सीखा। जो मूल पदार्थ का ज्ञान है वो है तत्व ज्ञान, और जो मूल पदार्थ के ऊपर की हुई कल्पना है उसका जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं अज्ञान। अब ऊपर का एग्जाम्पल देखो, अगर हमको लगता है कि जो लड़की का सौंदर्य है या लड़के का सौंदर्य रहता है वो सौंदर्य शरीर का है, अगर हमको ये लग रहा है तो हम इसे अज्ञान कहेंगे। और हमको अगर पता चला कि वो सौंदर्य उसके अंदर के आत्मा का है जिसकी वजह से वो शरीर सुंदर लग रहा है तो हम इसे कहेंगे तत्वज्ञान, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आपने ये वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो इमीडिएटली लाइक करो, और आप कमेंट करो अगर आप अभी भी हमारे मिशन में शामिल हो जो है रिप्लेसिंग वेस्टर्न सिस्टम विथ वैदिक सिस्टम, और आप कमेंट में लिखो भैया आई एम विथ यू। अगर आपको इस वीडियो पर कोई डाउट है तो आप इमीडिएटली कमेंट में लिख दो, मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ने वाला हूं, और लास्ट वीडियो के ऊपर आपने जो बहुत सारे कमेंट किए थे उसको मैंने पर्सनली पढ़ा है, और ऑलमोस्ट हर एक कमेंट को मैंने लाइक भी किया है, और जहां पे जरूरी है वहां पे मैंने रिप्लाई भी किया है। सो प्लीज कमेंट सो दैट दिस वीडियो रीचेस मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम कृष्ण हरी।